I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. So hey guys, what's up guys, आज की जो वीडियो है बहुत नई वीडियो है। जो वीडियो है तो पहली बार मैं खुद ही ट्राई कर रहा हूँ, अपने एक्सपेरिमेंट करके मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। गाइस वीडियो क्लियर तो देखना और लाइक से कमेंट कर, लाइक से कमेंट सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो गाइस जो वीडियो है आज की वीडियो गाइस आज हम अपने घर पे अपने हेयर को परमानेंट स्ट्रेट करने वाले हैं सिर्फ 250 रुपीज में। अभी यूट्यूब पे वीडियोस और देखी होंगी, मैं चाह रहा था इसे कुछ एक्सपेरिमेंट करना अपने ऊपर, मैंने सोचा मैं जरूर वीडियो बनाता हूँ। और जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट भी मैंने मंगा लिया था, ऑनलाइन मंगाया था, ये कोई स्ट्रीक्स का हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम है। तो गाइस दिखाते हैं क्या क्या है और फिर चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, पहले इसमें ये न्यूट्रलाइजर है, 40 ग्राम्स के, ठीक है, दो न्यूट्रलाइजर है इसके अंदर, ठीक है। और इसकी जो मेन क्रीम है ये, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और वीडियो क्लियर कर देगा, ठीक है। और हम क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, हमको चाहिए एक ब्लो ड्रायर, फिर उसके बाद एक क्या है, एक हेयर स्ट्रेटनर चाहिए और डन, और एक टॉवल चाहिए, फिर और कोई भी शैम्पू कोई भी चीज को मत यूज कीजिएगा, खाली नॉर्मल वाटर से पूरे थ्योरी में जितना भी स्टेप है, आपको कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल जैसे शैम्पू वैम्पू कंडीशनर कुछ नहीं यूज करना है, खाली अपने नॉर्मल वाटर से सबसे पहले अपने बाल को। तो जैसे मैंने अपने हेयर को जो कर लिया वॉश, आपको सेकेंड स्टेप है आपको करना है अपने हेयर को ब्लो ड्राई करना है। ब्लो ड्रायर से ब्लो ड्राई करोगे, पहले आपको नॉर्मली अपने हेयर को मतलब सुखा लेना है टॉवल से ब्लो ड्राई करना है। तो ये जैसे कि मैंने अपने पूरे हेयर को कायदे से ब्लो ड्राई कर लिया है। तो जो पहला स्टेप था वो था आपको अपने हेयर को वॉश करना था, फिर उसके बाद जो उसके बाद था कि आपको हेयर वॉश करने के बाद अपने टॉवल से अपने हेयर को कायदे से सुखाना था, फिर उसके बाद फिर से आपको प्रॉपरली 5-6 मिनट तक अपने हेयर्स को ब्लो ड्राई करना था ताकि उसमें जरा से भी वाटर या मॉइस्चर कुछ भी ना रह जाए। तो वैसे आप जो हमारा थर्ड स्टेप ये है कि हमको एक बाउल में जो इसकी मेन क्रीम है हेयर स्ट्रेटनर की मेन क्रीम ये है। तो गाइस इसके जितने भी आपकी क्वांटिटी जितने भी आपके बाल है, ज्यादा बड़े बाल है तो आप ज्यादा लीजिए, कम छोटे बाल हैं तो आप कम लीजिए, नॉर्मल बाल है जितनी मिले उतनी लीजिएगा। तो गाइस पहले इसकी क्वांटिटी हम उसमें देख लेते हैं कितने मेरे क्या है बाल, उस हिसाब से क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी ले लीजिए, अपने साथ क्वांटिटी ले लेना बस। तो हमने देखिए इतनी क्वांटिटी ले ली है, जो मेन क्रीम थी यानी जो क्रीम थी इसकी क्वांटिटी इतनी ले ली है। अब हमको सिंपली अपने पूरे हेयर्स पे मतलब यही पे ऐसे लगाइए कि आपकी जो क्रीम है आंखों में ना जाए, जो फिर उसके बाद आप स्कैल्प पे इस मेन स्कैल्प पे ये क्रीम ना लगे, खाली हेयर्स पे लगे और क्रीम लगा के दम देते हैं नाखूनों। ठीक है, जैसे कि मैंने अपना जो क्रीम थी मेन क्रीम थी वो मैंने अप्लाई कर ली अपने हेयर्स पे, देख लीजिए मैंने कैसे अप्लाई की है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको उसको 45 मिनट्स तक आपको अपने हेयर्स पे उसको अप्लाई करके रखना है और अपने हेयर्स को आप एक कॉम की हेल्प से बाबर इस तरीके से जैसे स्ट्रेट करते रहिए ताकि वो जो हेयर है वो आपकी स्ट्रेट रहे। तो गाइस 45 मिनट्स के बाद आपको मिलते हैं, जैसे कि अभी 45 मिनट्स हो चुके हैं। तो गाइस जो अब पहला स्टेप है आपको इसमें क्या करना है, अपने हेयर को अच्छे से वॉश करना है, 4-5 टाइम्स वॉश करना है, जो भी जितनी भी क्रीम जो है आपकी वो कायदे से निकल जाए, फिर उसके बाद आपको ड्राई करके अपने हेयर को स्ट्रेट करना होगा। चलिए गाइस आपको वॉश ऐसे मिलता पाए। देखो अभी आपको हल्का रिजल्ट दिखने लग जाएगा, अभी मेरे बालों पर भी देख लो रिजल्ट हल्के मतलब बाल स्ट्रेट हो गए हैं। अब सिर्फ सिंपली अब क्या करना है, आपको पहले अपने हेयर को ब्लो ड्राई करना है फिर उसके बाद स्ट्रेटनिंग करेंगे। तो गाइस चलिए ब्लो ड्रायर पे मिलते हैं। जैसा कि अभी मेरे जो हेयर थे मैंने पूरे तरीके से ब्लो ड्राई कर लिए और अभी देख लो रिजल्ट दिख रहा है साफ साफ कि मतलब हेयर जो है वो स्ट्रेट हो गए हैं अच्छी तरीके से, जितना भी मतलब क्रीम ने खाली किया है। अभी मैंने हेयर स्ट्रेटनर भी नहीं यूज किया है, बाकी देख लो ये अच्छी खासी स्ट्रेट हो गए।
गाइज इसके बाद हमें अब हेयर स्ट्रेटनर जो मेन है उसको यूज करना है, तो गाइज चलिए उसको यूज करते हैं। तो देख रहे हो ना, तो मेरे पास भी नो मेरे पास नोवा का हेयर स्ट्रेटनर है। तो गाइस अभी इसको थोड़ा हीट अप कर लेते हैं, फिर जब हेयर स्ट्रेटनिंग स्टार्ट हो जाएगी तब स्ट्रेटनिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्मली करना है पहले आपको आगे के। और गाइस हाँ, आपको हेयर स्ट्रेटनिंग अच्छे से करनी है क्योंकि यही आपका मेन सबसे मेन प्रोसेस है। क्योंकि अगर जितने अच्छे से आप हेयर स्ट्रेटनिंग करोगे उतने अच्छे से आपके बाल स्ट्रेट होंगे और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक टिके रहेंगे। तो गाइस मैं अभी ऐसे फोन में देख के हेयर स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि गाइस इसलिए मैं आपको हेयर स्ट्रेट। तो गाइस अब हम क्या करना है, अब हमको सिंपली करना है अपना जो ये एक न्यूट्रलाइजर है जो आपके हेयर को इन स्ट्रेट पोजीशन में लॉक कर देगा। जब आप अपने हेयर फिर से कभी वॉश करोगे तो आपके हेयर्स को ये मतलब जैसे इस टाइम स्ट्रेट है वैसे हर बार स्ट्रेट रहेंगे। इस वजह से आप इस न्यूट्रलाइजर को हमको अब यूज करना है। और जैसे हमने मेन क्रीम जैसे अप्लाई की थी अपने हेयर्स में, वैसे हमको ये क्रीम भी अप्लाई करनी है। और ये क्रीम खाली हमको 20 to 25 मिनट्स के लिए अप्लाई करनी है। गाइस इस क्रीम को मैं अप्लाई करने के बाद आपको मिलता हूँ। और गाइस हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जब पूरा प्रोसेस हो जाए हेयर स्ट्रेटनिंग का, हेयर रिजल्ट भी आ जाए आपका अच्छा रिजल्ट आ जाए, तो उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको 72 आवर्स तक एक जरा सा भी वाटर अपने हेयर्स में नहीं लगने देना है। आपको अपने हेयर्स को यूं बांधना नहीं है, यूं मोड़ना नहीं है, इनसे लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है। मतलब सिंपली हेयर रहो। और अगर वर्कआउट करते हैं जिम जाते हैं तो जिम आप 3 दिन मत जाओ, क्योंकि स्वेट से आपके बाल अगर गीले हो गए तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से अब तक 72 आवर्स तक आपके हेयर्स में कोई भी वाटर नहीं लगना चाहिए। तो अभी गाइस 25 मिनट्स हो गया मुझे सेकंड क्रीम यूज किए हुए न्यूट्रलाइजर था, अब मैं इसको वॉश करूंगा तब तो आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैंने अभी पूरे हेयर को ब्लो ड्राई कर लिया है, लेकिन आप सामने फिर से कर रहा हूँ आपको 25 मिनट्स बाद के बाद जो जो दूसरी क्रीम होती है सेकंड क्रीम होती है न्यूट्रलाइजर जो होता है उसको लगाना है 25 मिनट्स तक। फिर उसके बाद आपको अपने हेयर वॉश करने हैं, कायदे से वॉश कीजिएगा। दो तीन बार वॉश के लिए उसकी क्रीम लिख लेना आप, कहीं देख लो मेरे रिजल्ट देख सकते हो। हेयर मेरे पूरे बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट हो गए हैं देख लो। और बाकी मैं फिर से आपसे ने ब्लो ड्राई करता हूँ। तो पूरे हेयर आपके स्ट्रेट हो गए हैं फाइनली। गाइस सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, एक स्टेप कंप्लीट कर दिया मैंने, आपको एक एक स्टेप सही से बताया था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो कमेंट को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में किस पे आनी है गाइस, अगर अभी आपको और हेयर और स्ट्रेट और तो गाइस गाइस पूरे हेयर आपके स्ट्रेट हो गए हैं फाइनली। गाइस सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, एक स्टेप कंप्लीट कर दिया मैंने, आपको एक एक स्टेप सही से बताया था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो कमेंट को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में किस पे आनी है गाइस, अगर अभी आपको और हेयर और स्ट्रेट और स्टाइल देनी बाल को, मतलब हेयर स्टाइल बनाना है गाइस, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। आप चाहे तो फिर से हेयर स्ट्रेटनर यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं फिर से हेयर स्ट्रेटनर को यूज करता हूँ। कोई भी डिटेल हो गया आपको एक ही टाइम मैंने बता दिया कि आपको अपने हेयर कैसे स्ट्रेट करना है। गाइस मेरे फाइनल रिजल्ट आप देख लो, ऐसे हेयर स्ट्रेट हो गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को, कमेंट करो और बताओ मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज बनाऊं। गाइस मेरी एक 18 वीडियो चैलेंज जो थी वो भी आ रही है, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो गई है, वो भी मैं कल परसों अपलोड कर दूंगा, उसको भी थोड़ा अपलोड कर दूंगा। मैं जानता हूँ बहुत मैं लेट हूँ यूट्यूब पर, लेकिन क्या करूँ लेट हो तो। हाँ ठीक है, तो ना आप लाइक करो, कमेंट सब्सक्राइब करो, मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। तो गाइस चलिए, टेक केयर, बाय।